बुलंदशहर में रेलवे अंडरपास से जल भराव के कारण छात्र छात्राओं से भरी स्कूल की बस फंस गई। इंजन में पानी जाने के कारण आधा अंडरपास पार करने के बाद बस बंद हो गई, जिससे एक घंटे तक छात्र छात्राएं बस में फंसे रहे। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे संवाददाता रिजवान अंसारी का रुख करते हैं। रिजवान, क्या पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई ताकि बारिश हो तो पानी निकल जाए, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जनपद बुलंदशहर के गुलावटी क्षेत्र में पानी जल भराव के चलते, बारिश के चलते इतना भरा हुआ है कि कोई निकासी का इंतज़ाम नहीं है और स्कूल जाने वाले बच्चों की बस ही पानी में बिल्कुल आधी से ज़्यादा डूबी हुई है। आप टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे होंगे उनमें ये साफ जाहिर है कि स्कूली बच्चे 40-50 स्कूल के बच्चे उसके अंदर मौजूद थे और उसके बावजूद भी स्कूल वो नहीं जा सके, पानी की वजह से बस पानी में ही खड़ी हो गई, बंद हो गई। रिजवान, स्कूल बस में कितने बच्चे थे और क्या वो सुरक्षित हैं अब? देखिए, स्कूल की बस में 40 से 50 बच्चे थे जो बस बंद होने की वजह से बस में से नीचे उतरकर तैरते हुए अपने घर पहुंचे। रिजवान, तस्वीर बता रही है कि पानी काफ़ी ज़्यादा है, ऐसे में कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल बड़ा हादसा हो सकता है। मासूम बच्चे हैं, छोटी छोटी क्लासों के बच्चे हैं, नर्सरी, प्री नर्सरी, फर्स्ट सेकंड के बच्चे हैं। इतने मासूम बच्चे कहाँ पानी में तैर सकते हैं, इतने ज़्यादा पानी में कहाँ वो निकल सकते हैं, लेकिन मजबूरी में जब ज़्यादा पानी सड़क पर हो गया और बस बंद हो गई तो बच्चों को मजबूरी में निकल कर अपनी जान बचा कर तैरते हुए सुरक्षित घर पहुँच गए और लोगों ने उनकी मदद करके उन बच्चों को निकलवाया और घर पहुँचवाया। रिजवान, अगर आपकी बस चालक से बात हुई तो उसका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? बस चालक कहना यह है कि रोड बहुत ख़राब था, गड्ढे ज़्यादा थे जिसकी वजह से पानी भरा हुआ है। ये पानी भरा होने की वजह से ही बस जाम हो गई, बस बंद हो गई और पानी से नहीं निकल पा रही बस। रिजवान, क्या प्रशासनिक अधिकारियों को इस बारे में नहीं पता है कि बरसात होती है तो यहाँ पानी जमा होता है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है? देखिए, पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को सबको इस चीज़ की जानकारी है कि यहाँ गड्ढे हैं और पानी जमा है, लेकिन अभी तक वहाँ से पानी निकलवाया नहीं गया है। रिजवान, ईदगाह जाने वाले रास्ते पर भी पानी लबालब है, तो प्रशासन ने नमाजियों के लिए कोई अलग से कोई इंतजाम किया है? देखिए, जनपद के प्रशासन ने कोई जमातियों के लिए जो ईदगाह जाने वाला रास्ता है जहां ईदगाह पर नमाज पढ़ी जाती है, 30-40 हज़ार लोग ईद की नमाज अदा करते हैं और वहाँ का पानी इतना ज़्यादा भरा हुआ है कि बुग्गी में बैठ कर लोग रास्ते में निकल रहे हैं, पैदल चलना और मोटरसाइकिल से चलना भी दुश्वार है। इसलिए ईदगाह पर नमाजियों को नमाज पढ़ने जाते वक्त बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन पुलिस या प्रशासन के किसी भी आला अधिकारी ने अभी तक पानी निकलवाने की व्यवस्था नहीं की है, जिसकी वजह से ईदगाह पर होने वाली नमाज को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों में खासा अफसोस है। रिजवान, जब इतना पानी भरा हुआ है तो प्रशासन क्यों आंख बंद करके बैठा है? क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? देखिए, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन प्रशासन इसमें कोई पानी निकलवाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं बनाई है अभी तक और पानी खासा जमा है। शुक्रिया रिजवान आपका हमसे जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।